इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट और उनका एनालिसिस और एक ट्रेडर को यह डेटा पॉइंट क्यों देखने चाहिए सो so, ऑप्शन चेन का मतलब होता है कि कितने ऑप्शंस में क्या क्या ओपन इंटरेस्ट अभी जनरेट हुआ है अब ये दोनों को साथ में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन मतलब क्या है और ओपन इंटरेस्ट क्या है सो so पहले शुरुआत करते हैं ओपन इंटरेस्ट से ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट में बायर और सेलर का क्या इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है इंटरेस्ट जनरेशन मतलब एक ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि देर इज़ वन पार्टी एज बायर वन पार्टी एज सेलर और उन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन इज़ वन ओपन इंटरेस्ट इट इज़ वेरी सिमिलर टू समथिंग लाइक बाइंग अ हाउस अगर आप एक घर खरीद रहे हो तो एक बायर भी है एक सेलर भी है और दोनों का अपना एक खुद का एक इंटरेस्ट है बायर ये चाहता है कि उसको अच्छा वैल्यू मिले सेलर चाहता है कि उसको भी अच्छा वैल्यू मिले तो इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है दैट इज़ ओपन इंटरेस्ट अब ओपन इंटरेस्ट को हम कैसे एनालाइज करेंगे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तो हम इसको कहते हैं लॉन्ग बिल्टअअप मतलब बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है और इसमें मार्केट सेंटिमेंट बुलिश होता है अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है तो हम इसे कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है और बाहर निकलना चाहते हैं अब ये जो सीनारी है ना ये थोड़ा डाइसी सीनारी होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है वो बुलिश है बर ऊपर इंटरेस्ट कम नीचे होते जा रहे हैं मतलब ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं और मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा हिला हुआ है सेम वे अगर प्राइस नीचे आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं बट प्राइस तो नीचे आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्टअप कि बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट पोजिशन क्रिएट कर रहे हैं और इधर मार्केट सेंटीमेंट बेरिश होता है नेक्स्ट प्राइस नीचे आ रहा है बट ओपन इंटरेस्ट घटते जा रहे हैं मतलब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं बट प्राइस तो नीचे आ रहे हैं तो हम इधर कहते हैं कि इसमें शॉर्ट का अनवाइंडिंग हो रहा है और मार्केट सेंटिमेंट फिर से डाई सी है तो ये जब भी डाईसी जो मार्केट सेंटिमेंट होता है ना वहाँ पे एज अ ट्रेडर हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए हमें पार्टिसिपेट हमेशा लॉन्ग बिल्टअप एंड शॉर्ट बिल्टअप में करना चाहिए कि आपके प्राइस के डायरेक्शन में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ते रहना चाहिए सो दैट्स अ वेरी गुड प्लेस टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट अब ओपन इंटरेस्ट आप दो तरीके से देख सकते हो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो आप ऑप्शन का भी ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो और दोनों लार्जली एक जैसे ही होते हैं अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रीजन बहुत सिंपल है अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो हमें फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट क्यों देखना चाहिए क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट फ्यूचर्स में ज़्यादा लिक्विड है ऑप्शंस में इतनी लिक्विडिटी नहीं है तो कम कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है बट इंडियन मार्केट में इंडेक्स के ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है तो ऑप्शन एनालिसिस जब आप करोगे या आप इंडेक्स का जब एनालिसिस करोगे तब आप ऑप्शन चेन को देख सकते हो आपको बहुत अच्छी डिटेल्स मिलेंगी बट अगर आप स्टॉक्स का कर रहे हो तो उस जगह पे आपको फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट देखना है बस ये हमारा एक अंडरलाइन हम एक प्रिंसिपल बना लेते हैं कि ये डेटा पॉइंट्स इंडेक्स के लिए हम ऑप्शन देखेंगे फ्यूचर्स के लिए हम स्टॉक्स uh, के लिए हम फ्यूचर्स का डेटा पॉइंट देखेंगे चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन चेन अब ऑप्शन चेन हम इसलिए एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि हम हमें अब निफ्टी का एनालिसिस करना है निफ्टी के एनालिसिस के लिए हम ऑप्शन चेन यूज़ कर रहे हैं अब ऑप्शन चेन का मतलब होता है कि जितने भी ऑप्शन मार्केट में अभी अवेलेबल हैं अब ये मैं एन के वेबसाइट पे चला गया हूँ एन एस सी डॉट कॉम स्लैश ऑप्शन चेन यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है अब मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लिया है निफ्टी और एक्सपायरी 22 दिसंबर की सिलेक्ट कर ली क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज की डेट है सेवनटीन्थ दिसंबर 2022 तो अभी अगले एक्सपायरी का हम एनालिसिस कर रहे हैं अब ये लेफ्ट साइड पे कॉल्स हैं राइट साइड पे पुट है और यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है ये ओ लिखा हुआ है ये है ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट एन के वेबसाइट में आपको लॉट वाइज मिलती है कि कितने लॉट का पार्टिसिपेशन है अब यहाँ पे ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है कॉल्स का राइट right साइड पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है पुट का कि हर एक स्ट्राइक और यहाँ पे बीच का जो स्ट्राइक है ये सारे स्ट्राइक प्राइजेज हैं यहां पे उनका ओपन इंटरेस्ट है ऑफ कॉल दिस इज ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलते जा रही है कि कितना ओपन इंटरेस्ट का पार्टिसिपेशन है राइट सो ऑप्शन चेन में ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एनएससी के वेबसाइट पे कि कितने कितने का पुट राइटिंग कॉल राइटिंग या जो भी पार्टिसिपेशन है ओपन इंटरेस्ट का वो आइडेंटिफाई करना हर स्ट्राइक में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है ऑप्स्ट्रा ये डेटा को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है ये क्या कर देता है सेम ओपन इंटरेस्ट को ये बार में प्लॉट कर देता है ग्रीन इज बीन प्लॉटेड फॉर कॉल्स और ऑरेंज प्लॉट होता है पुट के लिए तो हमें यह पता चल रहा है कि जितना भी ऑरेंज कलर है वो पुट है और जितना भी ग्रीन कलर है वो कॉल्स हैं क्योंकि कॉल बुलिश माना जाता है और पुट बेरिश माना जाता है ऑप्शन चेन को आप जब भी एनालाइज करो आपको हमेशा सेलर परस्पेक्टिव से इसको एनालाइज करना चाहिए इसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि सेलर्स ऑप्शन में इनहेरेंटली बेरिश नेचर होते हैं अब बेरिश नेचर मतलब उसमें थीटा का एक कॉम्पोनेंट है और ऑप्शन का प्राइस घटते जाएगा अगर कहीं पे भी निफ्टी अगर मूव नहीं किया तो ये ऑप्शन चेन ऑप्शन का जो प्राइस है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होता है नीचे नीचे आता रहेगा इसका मतलब अगर आपको जीतना है ऑप्शन उप्षिन सेलिंग में ट्रेडिंग में तो आपको सेलर बनना पड़ेगा बट इसका ये मतलब नहीं है कि बायर्स नहीं प्रॉफिटेबल हो सकते दोनों प्रॉफिटेबल हो सकते बट होल्ड कौन करता है पोजीशन लंबे टाइम तक वो ऑप्शन सेलर्स होल्ड करते हैं तो ऑप्शन चेन को हमेशा सेलर परस्पेक्टिव से हमें एनालाइज करना चाहिए तो अभी हम डेटा को देखते हैं कि यहां पे ये कॉल्स सबसे ज्यादा हमें दिख रहे हैं तो ऑप्शन चेन में ऊपर के तरफ पे ज्यादा कॉल राइटिंग है तो हम इसको कंसिडर करेंगे कॉल राइटिंग इसका मतलब कॉल ज्यादा शॉर्ट हुए सो इट इज बेरिश सो दिस डेटा पॉइंट इज बेरिश सेम वे नीचे के साइड पे हमें ज्यादा पुट दिख रहे हैं ये ज्यादा पुट्स हैं तो पुट हमें दिखा रहा है कि ये बुलिश है सो so, एट दिस पॉइंट ये जहाँ पे ये मार्कर खर अभी प्लॉट कर रहा है ये बता रहे हैं कि एट द मनी का स्ट्राइक क्या है तो एट द मनी अभी निफ्टी 18350 पे है 18350 के ऊपर आप देखोगे तो ज़्यादा कॉल्स हैं 18350 के नीचे देखेंगे तो ज़्यादा पुट है यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अभी का ओपन इंटरेस्ट क्या है नीचे के साइड पर हमें दिखता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब प्रीवियस डे से आज के दिन में कितना चेंज हुआ है मतलब कितना कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग ऐड हुआ है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉल्स राइट हुए ये लेवल पे ये लेवल पे कॉल और पुट दोनों राइट हुए हैं यहाँ पर पुट राइट हुए तो हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से ये पता चलता है कि अभी के मार्केट सेंटिमेंट कितना चेंज हुआ है और ऊपर का डेटा हमें दिखाता है कि एप्सिल्यूट ओपन इंटरेस्ट क्या है राइट right. तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ऑप्शन चेन को कैसे देखना चाहिए सो इफ मोर ऑप्शंस मोर कॉल ऑप्शंस आर रिटर्न ऑन हायर साइड तो वो बेरिश है और ज़्यादा अगर पुट राइटिंग लोअर साइड पे हुआ है तो वो बुलिश है सो so, अगर हम कंपैरेटिवली देखेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से आएगा कि बहुत ज़्यादा कॉल राइट हुए तो ये अभी बरिश सेंटिमेंट है अगले वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है कि वहाँ से हमें और ज़्यादा इनसाइट मिलता है कि हमें मार्केट का क्या व्यू बनाना चाहिए बट लार्जली ये है ऑप्शन चेन फ्रॉम ऑप्शन चेन एंड ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस फ्रॉम अ निफ्टी स्टैंड पॉइंट अब इसका बैंक निफ्टी में भी ये एप्लीकेबल है या फॉर दैट मैटर एनी इंडेक्स क्योंकि इंडेक्स में ऑप्शन का लिक्विडिटी होता है और फ्यू हमें स्टॉक्स में क्यों नहीं देखना चाहिए उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अब ये बैंक निफ्टी है बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो ये ये स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है अभी स्ट्राइक प्राइस पे चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 14,400 थाउजेंड फोर हंड्रेड के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉल्स राइट हुए हैं सबसे ज़्यादा पुट कहाँ पे राइट हुए हैं यहाँ पे राइट हुए हैं विच इज़ 43,000 ठीक है इसका मतलब क्या है कि 43,000 ये जो लेवल है इधर शायद तक सपोर्ट आ सकता है बट ये फोर्टी फोर थाउजेंड का स्ट्राइक इज डेफिनेटली विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइट हुए हैं फिर ये एक लेवल है विच इज़ दिस फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पर भी सबसे ज्यादा कॉल राइट हुए हैं इसका मतलब ये भी बेरिशनेस दिखा रहे हैं तो कॉल राइटिंग जितना जो भी बार आपको जो इंफॉर्मेशन दिखाता है वो उस हिसाब से हमें एनालाइज करना है अब यहाँ पे ज़्यादा कॉल्स हैं पुट कम है बट कॉल ज़्यादा हैं ये लेवल पे भी कॉल ज़्यादा हैं पुट कम है तो ये है आपको बता रहे है कि ये स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई तो वो बेरिश है तो ये हुआ एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का फ्रॉम ऑप्शन चेन अब हम इसको रैंडमली एक मैं स्टॉक उठाता हूँ मैं स्टॉक उठाता हूँ पॉली का ठीक है रैंडमली मैंने ओपन किया है मैं इसको पॉली और मैं इधर आ गया मैंने ऑप्शन चीन ओपन कर लिया अब अब देखो कि कितने स्ट्राइक प्राइस थ्री थाउजेंड का स्ट्राइक प्राइस है कितनी क्वान्टिटी यहाँ पे ये क्वान्टिटी है फाइव लाख फिफ्टी नाइन थाउजेंड ठीक है हर एक क्वान्टिटी है ये अब ऑप्श्रा क्या करता है कि ये आपको इसको लॉट साइज से डिवाइड करना पड़ेगा पॉली का लॉट साइज है थ्री हंड्रेड सो फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड इतने लॉट्स अभी मार्केट में घूम रहे हैं के फ्रॉम ऑप्शन स्टैंड पॉइंट विच इज़ नथिंग ठीक है पाँच लाख क्वान्टिटी इज़ नथिंग इन पॉली कैब तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पाते ब्रॉडली अगर मैं इसके साथ लेट से पावर ग्रेड ओपन कर रहा हूँ सो पावर ग्रेड में भी आप देखो कि कम क्वान्टिटी है बहुत कम क्वान्टिटी ट्रेड uh, कर रही है वेयर एज इफ़ यू गो बैक एंड अगेन गो टू निफ्टी और आप निफ्टी में देखोगे तो आप ऑप्शनस कितना राइट हुआ है सेवेंटी फाइव ख ट्वेंटी फोर थाउजेंड क्वान्टिटी है यहाँ पे है एट्टी फोर लैक्स फोर्टीन थाउजेंड क्वान्टिटी मतलब ये हर स्ट्राइक प्राइस में सेवेंटी फाइव लैक फोर्टी फाइव लैख उधर जा रहे हैं और स्टॉक्स में इवन एक स्ट्राइक पे सिर्फ तीन चार लाख पाँच लाख क्वान्टिटी का ही पार्टिसिपेशन है सो so, ऑप्शंस का पार्टिसिपेशन इन स्टॉक इज़ नॉट दैट रिलेवेंट बट इंडेक्स में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और हमें ऑप्शन चेन को एक्सपायरी से पहले तो देखना ही चाहिए अगर आप ऑप्शन चेन को रेगुलरली अगर एनालाइज करो तो आप इंडेक्स ब्रॉडली एक्सपायरी के दिन कहाँ पे क्लोज़ हो सकता है इसका लार्जली एक आइडिया आ जाता है इस वजह से ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये चेक करने में कि ऑप्शन चेन में कहाँ सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइट right हुए हैं कहाँ पुट राइट हुआ है कहाँ कॉल राइट हुआ है और अगर आप देखोगे तो मैं मेरे प्री मार्केट कैप्सूल जो डॉक्यूमेंट में हर हफ्ते हर रोज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ उसमें भी बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है कि अभी ऑप्शन चेन में कहाँ सबसे ज़्यादा कॉल और पुट कहाँ राइट हुए और इससे हम एक जजमेंट लेने की कोशिश करते हैं तो ये है ऑप्शन चेन के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे बताइए कि आपको कोई नया इंसाइट मिला ऑप्शन चेन में और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं पुट कॉल रेशियो और मैक्स पेन डिस्कस करूँगा तो बने रहिए ये यूट्यूब चैनल पे मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में थैंक यू